हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपका जीएस मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों जैसा कि सुबह 9 बज चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़े हो, जहां आप देख रहे हो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन या कहें आरपीएफ, तो आई ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है? यस अनु, बताना दोस्तों आवाज आ रही है, दिख रहा हूं मैं ना? आई ऑडिबल और नॉट? सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े, हर हर महादेव भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर इसलिए दिया गया दोस्तों आप सब बच्चों को कि आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, है ना? क्योंकि इसलिए दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ते हैं, मोनिका जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। तो जब पढ़ते हैं दोस्तों, कई सारे मन में सवाल आता है, चाहे सिलेबस को लेके हो, चाहे डाउट को लेके हो कि सर कैसे हमारी तैयारी होगी। तो आप अपने मेंटोर से, अपने जीएस एजुकेटर से बात कर सकते हो, मैथ एजुकेटर से बात कर सकते हो, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर सकते हो, टैग कर सकते हो, है ना? इसलिए दिया गया दोस्तों नंबर ये। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मेरी क्लास के शेड्यूल, आपको 3 लेक्चर रेगुलर मिल रहे हैं, एक सुबह 7 बजे, जो आप आते नहीं हो, है ना, जो आप आते नहीं हो, आना चाहिए आपको, पहली चीज। दूसरी चीज कि सुबह 9 बजे जहां भी आप जुड़े हो, और फिर दोस्तों दोपहर 2 बजे। रेलवे की तैयारी इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जब वैकेंसी आएंगी तब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे दोस्तों, इसीलिए अभी से ही हम तैयारी करना शुरू करें ताकि जब वैकेंसी आए तब तक हमारी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे हो, है ना? हर हर महादेव जी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज 20 तारीख है, आने वाले समय में 4 से 5 दिनों के बाद 25 मई को एक बैच शुरू हो रहा है, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 सुल्तान बैच, जिसमें दोस्तों लगभग करीब करीब 295 घंटे की क्लास हो रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं WS लाइव लगा के, जो 500 रुपए में के आसपास आपको बैच पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्वीटी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि सर भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। आसान सवाल, कई बार पढ़ चुके होंगे आप, क्या होगा? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, सदर्न, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या होगा। चलिए निशा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्या होगा बताइए। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है दोस्तों? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, या दक्षिण भाग में, साउथ में? कई लोगों के सवाल, निमित जी क्या बात है, बहुत दिन के बाद देखे, आज लग रहा है चांस पूरब से निकल गया है, पश्चिम से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों ये क्या कहा समझना, ये कह रहा है एशिया के किस भाग में दोस्तों, ये एशिया के किस भाग में, तो दोस्तों ये दक्षिण है, एशिया के दक्षिण। आपसे ये नहीं पूछा दोस्तों, आपसे ये नहीं पूछा कि सर ये पृथ्वी में कहां है, पृथ्वी में पूछता तो आप लगाते नॉर्थ ईस्ट लगाते, वो भी ये ऑप्शन ना था, नॉर्थ ईस्ट लगाते। अरे बात समझ में, विकास जी खुश रहिए, मस्त रहिए, अरे बात समझ में, क्योंकि अगर पूछता कि पृथ्वी में सर भारत का लोकेशन, तब आप नॉर्थ ईस्ट लगाते, जबकि पूछा एशिया के किस भाग में तो ये कहां होगा, दक्षिण में होगा दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों कि भारत एशिया के दक्षिणी भाग में एक विशाल देश है। सर मैप दिखाओ तब मानेंगे हम, आ जाओ मैप देख लो, ये एशिया का मैप है दोस्तों, और एशिया का मैप ये हम मान ले नॉर्थ, ये मान ले साउथ, तो देख लो ये बीचों बीच इंडिया कहां है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे सार्क, इसीलिए आप देखेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, यानी भारत दक्षिण, दक्षेश जो है ना, दक्षेश, भारत दक्षेश का मेंबर है, यानी सार्क का मेंबर है, यानी दक्षिण में है, यानी साउथ में। क्लियर है, आ रही बातें समझ में? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, हाँ ठीक है, काठमांडू है, 1985 में ढाका में स्थापना हुआ, आप सब जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बताना, क्योंकि आप सब जानते हो कि दक्षेश में कौन मेंबर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोस्त जब आसान सवाल आता है तब क्लीन बोल्ड हो जाते हो। आप तैयारी करके गए थे मुरलीधरन का, आप तैयारी करके गए थे मुरलीधरन का, और गेंदबाजी करने आ गया सचिन तेंदुलकर, सर क्लीन बोल्ड हो गए।
तो बेटा मुरलीधरन की तैयारी तो करेंगे ही, साथ में सचिन तेंदुलकर का भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो भी विकेट निकाल लेता है, कभी कभी वो भी विकेट निकाल लेता है ना। आ जाओ आगे। तो किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर टू। तो दोस्तों ये आसान सवाल सर, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना की बात करें तो एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, वंस टाइम एक बार संशोधन हुआ है और तीन शब्द जोड़े गए, तीन वर्ड जोड़े गए दोस्तों, तीन वर्ड जोड़े गए। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता और दोस्तों समाजवाद, और समाजवाद, तीन वर्ड जोड़े गए दोस्तों। एक चीज और समझिएगा कि प्रस्तावना की बात करें तो यह हमने कहां से लिया सर? यूएसए से उठा लिया है दोस्तों। इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई? तो सर हमने उसे ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 सर, यह क्या है दोस्तों? जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया दोस्तों। यही उद्देशिका बाद में आपका क्या बन गया? आपका प्रस्तावना का भाग बन गया, प्रीएम्बल बन गया, है ना? अरे बात समझ में। तो आप देख सकते हो ऐसे ही सवाल, एक क्वेश्चन से आप कई सारी चीज जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, 1976 में हुआ, जिसे मिनी संविधान या इंदिरा संविधान कहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन है, जो प्रस्तावना में तो हुआ ही है। साथ ही साथ आपको याद होगा दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो हमने यूएसएसआर रशिया से ले लिया है ना। 44वें की बात करें तो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया मोरारजी देसाई सरकार में 1978 के समय दोस्तों, 1978 में 300A में। और दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती को किसमें लाया गया? 11वें अनुसूची में लाया गया। और 61वें संविधान संशोधन से दोस्तों जो वोटिंग एज है राजीव गांधी के समय में, पहले 21 साल में वोट दिया करते थे, अब 18 साल वोटिंग एज है, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। भिलाई प्लांट कहां स्थित है दोस्तों? भिलाई प्लांट इज लोकेटेड इन, भिलाई प्लांट कहां है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आसान सवाल, इसलिए आसान सवाल गलती कर बैठते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़। भाई साहब मैंने पहले ही कहा था कि आप हमेशा बीरू को अलग करिए, जबकि भीरू और राज और दुबे को साथ में रखिए, दुबे को साथ में रखिए। भिलाई जो रूस के मदद से छत्तीसगढ़ में दोस्तों, राउरकेला जर्मनी के मदद से ओडिशा में है, दुर्गापुर ब्रिटेन के मदद से वेस्ट बंगाल में है, और दोस्तों बोकारो रशिया के मदद से झारखंड में है। इसकी तीसरे थर्ड फाइव प्लान में, और ये तीनों के तीनों सेकेंड फाइव प्लान में, दूसरे पंचवर्षीय योजना में ऐड किया गया, ठीक है। अच्छा बीरू लड़का है, ओके, अच्छा बीरू लड़का है, बाकी बात भीरू, राज और दुबे लड़की है, अच्छा इसीलिए मतलब लड़का को आप अलग कर दिए और लड़की को एक साथ रखे। ये भी तो हो सकता है कि बीरू लड़की होगी और ये तीनों लड़का होगा, इसीलिए इसको अलग कर दिया। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि बीरू लड़की होगी उसे अलग कर दो भैया, ये तीनों लड़का है, है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, तारीख फिरोजशाही जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों का इतिहास देता है, किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक कि किसकी इतिहास देता है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा। चलिए तो दोस्तों ये क्या निकल कर आएगा सर? जियाउद्दीन बरनी, यानी तारीख के फिरोज शाही दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी गई। किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है, जिसे आप एफएसटी कहते हो, पहली बार दोस्तों ब्राह्मण पर जजिया लगाया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखोगे, इसने जौनपुर की स्थापना की, जिसे हम पुरु का सिराज कहते हैं, अपने भाई जूना खां के याद में, एमबीटी जो था जूना खां के याद में। गुलबदन बेगम दोस्तों आपको याद होगा, इसने हुमायूं नामा लिख दिया, इसने हुमायूं नामा लिखा दोस्तों। और याद रखिएगा अबुल फजल दोस्तों, जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा लिख दिया,
या अकबरनामा लिख दिया। तो याद रखिएगा अकबरनामा लिख दिया, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है? विच बैंक हैज बीन नेम्ड एजेंसी बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है? तो ये जवाब आएगा दोस्तों बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। बंधन बैंक, क्या है दोस्तों? बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों आरबीआई ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया जिन्हें आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब बंधन बैंक क्या करेगा? जीएसटी, वैट, राज्य कर के कलेक्शन संबंधित लेन देन को संभालने के लिए अधिकृत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे दोस्तों। समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे किस राज्य के शासित प्रदेश में आएगा या बनेगा? लक्षद्वीप, गोवा, केरल, चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक का क्या है? बताओ। समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे लक्षद्वीप में आएगा दोस्तों, जो अरब सागर में है, जो अरब सागर में है, जो कोरल का एग्जाम्पल है, कोरल यानी परवाल भित्ति का एग्जाम्पल है, परवाल भित्ति का एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसमें 36 आइलैंड हैं, 36 आइलैंड हैं दोस्तों, जिसमें 36 आइलैंड हैं, जो आप देखोगे मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों। इसका हाईकोर्ट दोस्तों केरल चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? केरल चला जाएगा दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हरिंद्र साहब, गुड मॉर्निंग, है ना। याद आगे देखिए, भारत की डैश ने पोलैंड में आयोजित अंदर 23 सीनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ऋतु फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलिए बता भाई, भारत की डैश ने पोलैंड में आयोजित, बेटा 11 पर नहीं है, 9 पर है, 25% पर, यानी 9 पर मानव है, 9 पर मानव है और 1 पर पिटली आइलैंड, इस पर मानव नहीं है। तो दोस्तों ये कौन है? ये आपका ऋतु फोगाट है। ये कौन है दोस्तों? ऋतु फोगाट। क्या निकल कर आएगा? 11 पर है, 25% पर है, सुधार लियो। 11 पर हो ना, उसे सुधार लेना। 25% तो 25% 36 का 25% कितना होगा निकालो, 36 का 25% 9 हो जाएगा, है ना दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ क्या है? भजन, व्याकरण, अवधि, ज्ञान? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों वेद यानी ज्ञान, और आपको याद होगा कि वेद की बात करें दोस्तों तो ये आर्य जब भारत में आए, आर्यंस जब भारत में आए, तब जाकर हमें वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेद को किसने कंपाइल किया दोस्तों? तो वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने दोस्तों। अगर आप वेद की बात करें दोस्तों तो 4 वेद हैं, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में अथर्ववेद है, सबसे लास्ट में अथर्ववेद। आगे देखिए, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, मनोहर जोशी, ओम बिड़ला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। अभी 10:05 पे भी आपकी क्लास होगी, आप जुड़िएगा जरूर, आप सब सादर आमंत्रित हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। 10:05 पे भी क्लास होगी, ठीक है, अन अकेडमी पे, जो सीजीएल का प्रीवियस पेपर चल रहा है। तो दोस्तों डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है, डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है दोस्तों, जबकि ओम बिड़ला स्पीकर हैं, जो कोटा से हैं, जो कोटा बूंदी से सांसद है दोस्तों। सुमित्रा महाजन आपको याद होगा, इसके पहले दूसरी सेकेंड फीमेल दोस्तों, सेकेंड फीमेल, जिसे ताई कहा जाता है, जिन्हें ताई कहा जाता है दोस्तों, है ना। और पहली फीमेल आपको याद होगा बिहार सासाराम, बिहार सासाराम मीरा कुमार, ये इनकी स्पेलिंग हुआ करती थी मीरा कुमार दोस्तों, है ना, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मीरा कुमार पहली थी, दूसरी सुमित्रा महाजन, और दोस्तों अभी ओम बिड़ला साहब हैं, जो कोटा बूंदी से हैं। लोकसभा की बात करें, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की बात करें, आर्टिकल नंबर 93, अगर
शपथ तो होता नहीं है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है दोस्तों। अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहेंगे तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। आ जाओ आगे, भारतीय अमेरिकी लेखक नीलांजना सुदेशना के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? कई बार मैं पूछता रहता हूं, कई बार मैं पढ़ाता रहता हूं, झुंपा लाहिड़ी, गीता गोपीनाथ, संजयन या नंदनार? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? चलिए बता दो मेरे राजा, बता ही आता कि नहीं खे आता ना? तो सर झुंपा लाहिड़ी, नीलांजना सुदेशना दोस्तों। गीता गोपीनाथ आपको याद होगा दोस्तों, इनका आईएमएफ में ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हुआ करते थे, सीएफओ, सॉरी सीईओ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर, ये किसकी? गीता गोपीनाथ, है ना, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की दोस्तों, है ना। तो दोस्तों नीलांजना सुदेशना लाहिड़ी, जिसे झुंपा लाहिड़ी के नाम से जानते हैं, भारतीय अमरीकी लेखक है दोस्तों, जो 29वें पेन मलमुद पुरस्कार के रूप में चुना गया था दोस्तों, याद रखेगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए आगे, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? वेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? और आपको याद होगा कि मदर डे करके पूछा था आपके रेलवे में, याद आ रहा है कुछ? मदर डे करके पूछा था रेलवे एनटीपीसी में, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको याद होगा अच्छी तरीके से, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको वो थोड़ी गड़बड़ करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको याद होगा अच्छे तरीके से, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो और याद रखे, याद आया था ये पूछा था दोस्तों। तो दोस्तों 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस दोस्तों, 7 अप्रैल हेल्थ डे, हेल्थ डे, और दोस्तों 22 मई की बात करें बायोडायवर्सिटी डे, 22 मई की बात करें यानी परसों बायोडायवर्सिटी डे, बायोडायवर्सिटी डे, है ना, बायोडायवर्सिटी डे याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए आगे दोस्तों, पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 1970 में, जबकि अब इसमें 193 से अधिक देशों में पृथ्वी दिवस नेटवर्क द्वारा वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम शामिल है, तो पहली बार 1970 में सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिएगा। जात्रा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक थिएटर है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? WB, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जात्रा, किसका किसका जात्रा खराब हो गया भैया? जात्रा सवाल देख के किसका किसका जात्रा खराब हो गया जरा बता दो मुझे, और ऋषभ का जात्रा खराब हो गया क्योंकि ओडिशा तो ऑप्शन में है नहीं, जब ओडिशा ऑप्शन में नहीं है तो कहां जाएंगे? ओडिशा की सीमा किससे लगेगी? पश्चिम बंगाल, है ना। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स की रचना किसने की है? बॉब मार्ले, टैक्स एवरी, चक जोन्स, बिल वाटसन? क्वेश्चन नंबर 13 चलिए बता भाई, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स की रचना किसने की है? बॉब मॉर्ले, टैक्स एवरी, चक जोन्स, बिल वाटसन? सब सवाल पर सब सवाल रगड़ के पूछा है रेलवे में, और ऐसे सवाल आपके खूब पेपर में दिखते हैं। तो बिल वाटसन ने दोस्तों कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स की रचना की है। चलिए, और ऋषभ का जवाब सही है, क्या बात है, अनुराग का भी जवाब सही है, बहुत बढ़िया, निशा का जवाब गलत है, स्वीटी जी का जवाब सही है, गिरीश का जवाब सही है, चलो बहुत शानदार, सिसिर का भी जवाब सही, बिल वाटसन दोस्तों, है ना। तो केल्विन और हॉब्स, अमेरिकी कार्टूनिस्ट बिल वाटसन द्वारा बनाया गया एक दैनिक कॉमिक स्ट्रिप है। पहली स्ट्रिप दोस्तों कब जारी किया गया था? तो 18 नवंबर 1985 को जारी किया गया था, 18 नवंबर 1985 को जारी किया गया था, याद रखियो, ओके। चार्ल्स कोरिया कौन था दोस्तों? एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, एक प्रसिद्ध वास्तुकार? क्वेश्चन नंबर 14 चलिए बताओ क्या होगा। सब रेलवे ने पता है, रेलवे के, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो रेलवे गड़ा मुर्दा उखाड़ेगा,
कभी कभी तो बहुत तेज गुस्सा आता है, सवाल कैसे कहां से पूछता है। दोस्तों ये कौन है? एक प्रसिद्ध वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है दोस्तों, प्रसिद्ध वास्तुकार है आर्किटेक्चर। कौन है? आर्किटेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों उन्हें स्वतंत्र भारत में आधुनिक वास्तुकला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों 1972 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है ना। दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान कौन है? पद्म विभूषण है। अरे बात समझ में क्लियर है? उसका दांत तोड़ दे ऐसा गुस्सा, किसका दांत तोड़ोगे भाई? किसका दांत तोड़ दोगे बताओ? मत तोड़ो, छोड़ना, अच्छा नहीं लगेगा। बिना दांत का अच्छा लगेगा बताओ, है ना? बिना दांत का अच्छा लगेगा? मत तोड़ो। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक क्या है? एक रेलवे स्टेशन, एक आर्ट गैलरी, एक म्यूजियम है या सेंटर फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 15। चलो हाँ यार, बिना दांत का अच्छा ना लगेगा ना। डी मत लगाओ, मैंने पहले ही बताया डी मत लगाना। पिछले बार भी आपने गलती किए थे यार। म्यूजियम नहीं है ये, म्यूजियम मतलब होता पुराने चीजें रखना। ये एक आर्ट गैलरी है। किसकी? जो रानी की वस्तुएं अंग्रेजों के सामान रखे गए हैं। ये म्यूजियम बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि रानी का ये निवास स्थान हुआ करता था। पहले भी बताया इसे कि म्यूजियम मत लगाना। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों कोलकाता, पता ये क्यों बनाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल ताजमहल का जेरोक्स किया गया था। जो ताजमहल बना है तो वहीं से, जहां से मकराना से संगमरमर लाया गया, और वहीं विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में भी मकराना का संगमरमर यूज किया गया था, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इसे 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है दोस्तों, स्मृति को समर्पित है, याद को समर्पित है। बार बार गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, अब की बार गलती नहीं होगा। अब की बार आपकी सरकार, आपकी मतलब उस आपकी नहीं, आपकी मतलब आपकी सिलेक्शन वाली सरकार, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था? हम इसे लगातार 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं, कोशिश करना गलती नहीं करने की। हाँ 3005 लगा दो, 2005 भी नहीं, 3005। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया 1991, अब लगा रहे हैं 2005। जब आपको पता है एलपीजी, हमें पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 होगा, 2005 अब 3005 कैसे होगा? 2005 कैसे होगा मुझे बता दो। अरे जब पता है कि एलपीजी की बात कर रहा, आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहा, आर्थिक मतलब क्या होगा? उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। किसके समय? वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय में, ठीक है। आ जाओ आगे। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट चार्ज के साथ एक उप परमाणु कण जो न्यूट्रल है, नेट चार्ज के साथ एक उप परमाणु कण जो पॉजिटिव है, नेट नकारात्मक चार्ज के साथ एक उप परमाणु कण जो नकारात्मक है, और शुद्ध आवेश वाला एक उप परमाणु कण जो शून्य है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बताओ क्या होगा? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? अरे भैया मेरे, शुद्ध आवेश वाला एक उप परमाणु कण जो शून्य का है। नेगेटिव लगा रहे हो, कहां नेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन सबसे या एक नकारात्मक चार्ज करता है, ठीक है। इस पूरा पढ़ो ना, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दोस्तों यह देखोगे इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का स्थिर उप परमाणविक कण या एक निकट नकारात्मक चार्ज करता है, जिसे विद्युत का मूल चार्ज माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लगभग द्रव्यमान रहित होता है। इसका बाकी द्रव्यमान कितना होगा? 9.1×10⁻¹ ग्राम, जो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का केवल इतना ग्राम है, याद रखिएगा, है ना। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, विस्काउंट माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, वो कह रहा है चार्ज होता है, पढ़ो ना ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, ऑप्शन पढ़ना बढ़िया से जब आपको पीडीएफ मिलेगा, परेशान ना होइए।
तो दोस्तों जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कब, तो आपको याद होगा 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई और ये लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रद्द कब हो गया 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है तब ये रद्द कर दिया गया। यानी घोषणा कब हुआ 19 जुलाई को, लागू कब हुआ 16 अक्टूबर को, और 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ, इसे रद्द कर दिया गया। एक डेट और याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखना आपको कि सर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, जैसे ही 19 जुलाई 1905 को घोषणा होता है वैसे ही 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो यह डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आगे, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में लागू हुआ दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। भू केंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रह निकायों की गति को नियंत्रित करने वाले कानून, अग्रणी दूरदर्शी मॉडल, प्राचीन ग्रीस के धर्म या रोमन दर्शन शास्त्र में दो विद्यालयों के विचार, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा। चलिए, भू केंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ है, तो दोस्तों भू केंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रह निकायों की गति को नियंत्रित करने वाले कानून को हम जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक कहते हैं, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो भू केंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक के तहत सूर्य चंद्रमा तारे और ग्रह सभी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यह कहता है। लेकिन और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहता है दोस्तों कि पृथ्वी और ग्रह सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, याद रखना कि जियोसेंट्रिक मतलब भू केंद्रिक मतलब पृथ्वी केंद्र में, और दोस्तों हेलियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी सूर्य केंद्र में। आ रही बातें समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखना, पहला क्या कहता है दूसरा क्या कहता है, ठीक है। आ जाओ आगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय कौन है दोस्तों, चलिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करें, आनंद दूधवाला, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, करसन भास पटेल, देख रहे हो कैसे कैसे ऑप्शन दे रहा है भाई, आनंद दूधवाला, हे भगवान, ऑप्शन देखो, अरे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, 26 नवंबर, मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, 1 जून इंटरनेशनल मिल्क डे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, तो 1970 में भारत में भारत सरकार द्वारा श्वेत क्रांति सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलनों में से एक था, याद रखिएगा। किसने विस्काउंट लुई माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रतिस्थापित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ क्या होगा। राजस्थान मिल्क नंबर 1 स्टेट, भाई किसने कह दिया भैया, पक्का, चलो बताना। अरे सर आसान सवाल है, माउंटबेटन के बाद कौन आया, राजगोपालाचारी, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल ओवरऑल, राजगोपालाचारी, है ना। चलो आ जाओ, राजगोपालाचारी ने 1948 में माउंटबेटन को हटा के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया दोस्तों, याद रखिएगा। किसने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, कपिल देव, रवि शास्त्री, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन 2017। तो दोस्तों 2017 की बात करता है अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ की बात करें तो ये स्टील है, बरकरार है, इसके पहले रवि शास्त्री थे दोस्तों, तो कौन बचा, अनिल कुंबले, कौन बचा, अनिल कुंबले बचा, है ना। कोई वस्तु स्थिर है तो बल उस पर कार्य कर रहा है वो क्या, संवेग कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, आवेग कहलाएगा, भार कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 23।
चलिए, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? सर मोमेंटम। कोई वस्तु स्थिर है तो बल उस पर कार्य कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? संवेग कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। क्यों डी लगा रहे हो मेरे भाई? ए होगा, डी क्यों लगा रहे हो? एफ एस एस ए आई की पहल क्या है जो बायोडीजल में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल के कलेक्शन, संग्रह और रूपांतरण को सक्षम करेगी? रूसा, रेनो, रामा, रूको, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों एफ एस एस ए आई की पहल क्या है जो बायोडीजल में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल के संग्रह और रूपांतरण को सक्षम करेगी? वो रूको। कौन है दोस्तों? रूको। अरे हाँ बिल्कुल, रूको। गाना नहीं सुने? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक वाला। तो दोस्तों एफ एस एस आई यानी क्या हो गया सर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर रूको मतलब क्या हो गया? रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल लॉन्च किया था, जो एक ऐसी पहल है जो इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को बायोडीजल के संग्रह और रूपांतरण में सक्षम बनाएगी। एक्चुअली है क्या दोस्तों, समझना कि जो आप कभी बाहर में नाश्ता करते होंगे, खाना खाते होंगे, कभी देखना ठेले वाले पे, जो स्ट्रीट फूड वाले पे, उनकी तेल देखना बिल्कुल ब्लैक लगेगा, बिल्कुल ब्लैक। वही है दोस्तों रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी बार बार जो यूज होता है ना तो ब्लैक हो जाता है, वो नुकसान करता है। तो वो भाई खराब ना, क्या करें उसका हम? तो उसका हम बायोडीजल संग्रह रूपांतरण में सक्षम बनाएगी, वही कहता है ये, है ना? हाँ, ये बहुत नुकसान, बार बार जो छान देता है ना बहुत नुकसान दे है, ठीक है, वो बहुत नुकसान दे दोस्तों। तो ऐसे खाने से बचिए। भैया पगलिया बांध किस राज्य में है? ले भैया पगला रहा है, देखो पगलिया बांध नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। क्वेश्चन नंबर 25। गुड मॉर्निंग मयूरी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों पगलिया बांध की बात करें, यह असम में है। कहां पे भाई? असम में, याद रखिएगा। डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा, थार। क्वेश्चन नंबर 26। डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें, ये जैसलमेर, राजस्थान। कहां दोस्तों? जैसलमेर, राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक है। वेन आरेख किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? वेन डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाय, वेन डायग्राम, वेन आरेख किसके द्वारा आविष्कार किया गया था जरा बताइएगा? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों जॉन वेन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वेन डायग्राम, जॉन वेन के द्वारा वेन डायग्राम का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा, है ना? कौन है? जॉन वेन के द्वारा। कुड कहां का लोक नृत्य है? कुड इज अ फॉक डांस ऑफ केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 28। कुड तो कहां का है? ये जम्मू कश्मीर का कुड है। रऊफ कहां का है? रऊफ भी वही का भाई। रऊफ कहां का? जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। जबकि केरल का आपको याद होगा, दो तो क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है ना, और महाराष्ट्र का तो कई सारे फोक डांस है, लावनी, तमाशा, गाफा, दही कला, सब किसके? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल राजवंश की कब्रिस्तान के रूप में प्रशंसित किया गया है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, मोती मस्जिद, ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बताइए, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल राजवंश के कब्रिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों? तो कौन है ये बताओ, कौन है दोस्तों? हुमायूं का मकबरा। यहां करीब करीब 100 से ऊपर कब्र मिलेंगे आपको, यहां पर 100 लोगों के कब्र हैं, 100 लोगों के कब्र हैं, जो कहां है दोस्तों? दिल्ली में है। जिसका निर्माण किसने कराया? हाजी बेगम, हाजी बेगम, या कहें बेगा बेगम, या बेगा बेगम दोस्तों। और ये भारत का पहला मकबरा जिसका गुंबद सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, है ना? व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, याद रखिएगा, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है दोस्तों, है ना? डबल गुंबद नहीं विकास जी, डबल गुंबद नहीं, डबल गुंबद वो सिकंदर लोदी का मकबरा है, सुधारो।
ठीक है, चार बाग शैली भी नहीं, चार बाग शैली बाबर का मकबरा शुरुआत हुआ है, ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा, तो बिल्कुल वो गलती मत करिएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में दोस्तों, और मोती मस्जिद तीन जगह है। अगर दिल्ली मोती मस्जिद की बात करें तो उसका निर्माण औरंगजेब करेगा, आगरा मोती मस्जिद का बात करें तो उसका निर्माण शाहजहां करेगा, और लाहौर मोती मस्जिद की बात करें तो उसका निर्माण जहांगीर करेगा, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। आ जाओ आगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई महाकाव्य कविता है? अरे हां बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन पहली चारबाग शैली बाबर की शुरुआत की, ठीक है, तो रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास जो अकबर के समकालीन है, जो अकबर के समकालीन है, किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास, है ना। आगे देखो, कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? एलयू, कैश मेमोरी, रैम, रोम। कल सुबह 8:30 बजे मैराथन लगेगा, कल सुबह 8:30 बजे, ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे मैराथन है, भूलना मत, कल संडे है, संडे का मैराथन, संडे का मैराथन 8:30 बजे, ठीक है, संडे का मैराथन कितने बजे? 8:30 बजे, और फिर वीकली जो टेस्ट होता है वो 7 बजे सुबह, वाईफाई स्टडी, लाइव स्टडी एग्जाम चैनल पे, ओके, तो मत बता, मत भूलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है, दिमाग में सेट रख लेना, 8:30 बजे इस चैनल पे और 7 बजे वाईफाई स्टडी लाइव स्टडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों ये क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो नन वोलाटाइल है, नन वोलाटाइल दोस्तों, और ये वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है, हाँ सुबह में, हाँ जी सुबह में, ठीक है, ऐप में क्लास है आज, हाँ है, 10:05 पे, चलो आ जाओ। आर्य समाज के पहले मुख्यालय कहां थे? नासिक, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, क्वेश्चन नंबर 32। वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज? तो दोस्तों आर्य समाज की पहले मुख्यालय की बात करें लाहौर में, अरे स्थापना जरूर हुआ है बंबई में 1875 ईस्वी में, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया स्थापना, दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया है, जबकि दोस्तों इसका मुख्यालय पहला लाहौर में है, पहला कहां है? लाहौर में, बंबई में स्थापना हुआ है, मुख्यालय लाहौर में, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वेदों की ओर लौटो, तो वैसे ही सही जवाब की ओर लौटो आप लोग, ठीक है, आ जाओ आगे। ऋग्वैदिक काल के दौरान निस्क एक आभूषण था, कान का, गर्दन का, बाजू का, कलाई का, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, ऋग्वैदिक काल के दौरान निस्क क्या था दोस्तों? अरे गाना नहीं सुने हो, मुझे नवलखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने, अरे गाना सुने नहीं हो, नवलखा यानी गर्दन यानी हार, नवलखा था तो समझ लेना, नवलखा के जगह पे अब निस्क बोला जाएगा संस्कृत भाषा में, मुझे निस्क मंगा दे रे, है ना, तो क्या है वो? नेक गर्दन का है दोस्तों, याद रखिएगा। आपराधिक राजनीति और नौकरशाही गठजोड़ पर किस समिति की स्थापना हुई थी? बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति, क्वेश्चन नंबर 34। सर आपको बहुत कुछ पता है बेटा, अच्छा ये बताओ, जब पता नहीं रहेगा तो हम आपके जगह नहीं होते, अगर नहीं पता होता तो हम आपके जगह पे होते ना, हम भी ऐसे चैट कर रहे होते कि सर आपको बहुत पता है, पता है तभी तो यहां है, ये तो सोचो ना, पता है तभी तो यहां है, बताओ गलत कह रहे हैं तो दोस्तों ये वोरा समिति है, वोरा कमेटी, क्या है दोस्तों? वोरा कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों ये क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाओ आगे, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए हाँ, सीबीआई संथानम, क्या बात है विकास जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बाघ गुफा की बात करें यह मध्य प्रदेश है, बाघ गुफा की बात करें तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, कहां पे? मध्य प्रदेश, है ना, कहां? मध्य प्रदेश, याद रखियो। पहली बार रेल बजट और आम बजट किस वर्ष अलग अलग प्रस्तुत किया गया था?
1947, 1947, 1952, 2017 क्वेश्चन नंबर 36। चलिए तो भैया 1924 में एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर, एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर दोस्तों, जबकि 2017 में विवेक देवराय कमिटी, विवेक देवराय कमिटी दोस्तों की सिफारिश पर मिला दिया गया, यानी मिला दिया गया है ना, अब अलग अलग पेश नहीं होगा। विवेक देवराय कमिटी ने कह दिया कि 2017 से अब साथ में होगा, ठीक है। तो दोनों याद रखना बिल्कुल, 1924 में अलग हुआ एकवर्थ कमिटी की सिफारिश पर, और 2017 में पेश हुआ विवेक देवराय कमिटी की सिफारिश पर मिला दिया गया, है ना, क्लियर है। तो याद रखना बिल्कुल दोस्तों, एक चीज और याद रख लो, 1924 उसी समय जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहां पे, तो कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं, है ना। आ जाओ आगे, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की, ज्ञानानंद सरस्वती, दुर्गाबाई देशमुख, नेल्ली सेनगुप्ता, पंडित रमाबाई, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ 1924 में ये चार है, ये भी सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देखोगे पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई दोस्तों, जबकि ज्ञानानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875, आर्य समाज है ना, जबकि दोस्तों नेल्ली सेन गुप्ता ये थर्ड चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट है दोस्तों, जो 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता या कलकत्ता में करती हैं, कोलकाता या कलकत्ता में करती है, नेल्ली सेन गुप्ता है ना, नेल्ली सेन गुप्ता, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। मुद्रा बैंक किसकी मदद के लिए लॉन्च किया गया है, छोटा व्यापार, मामूली किसान, गरीब महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा, दोस्तों आप देखोगे कि मुद्रा बैंक किसकी मदद के लिए लॉन्च किया गया था, छोटा व्यापार। दोस्तों मुद्रा में तीन चीजें थी, क्या क्या था दोस्तों, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु की बात करें तो आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर की बात करें तो 50,000 से लेकर 5,00,000 तक का लोन मिलेगा, और तरुण की बात करें तो 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक का लोन मिलेगा। तीन कैटेगराइज था, ठीक है, तीन कैटेगराइज था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, तीन कैटेगरी में था, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, बिल्कुल करेक्ट। तो ये याद रखिएगा, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। किस राज्य में भारत में सबसे कम जन्म दर है, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए दोस्तों भारत में सबसे कम जन्म दर की बात करें, केरल में, पढ़े लिखे लोग हैं यार, लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, सेक्स रेशियो भी ज्यादा है ना, पूर्ण बैंकिंग वाला राज्य भी है, पूर्ण बैंकिंग वाला राज्य भी है, कौन है, केरल है, ठीक है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल, 30 साल, 21 साल, 25 साल, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए तो दोस्तों नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 21 साल ये वोटिंग एज है, ये 30 साल राज्यसभा और विधान परिषद, 25 साल लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा है ना। तो ये था सेशन आज का, उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा, है ना। अभी 10:05 में मेरी क्लास है स्पेशल, तो क्लास में आइए, नींद हट जाएगी आपकी, है ना, पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी क्लास थी, सुबह 7 बजे आया करिए वाईफाई स्टडी लाइव स्टडी एग्जाम चैनल पे, और फिर दोपहर 2 बजे इसी चैनल पे एसएससी को लेके। दोस्तों याद रखिएगा कभी सुल्तान बैच 25 तारीख को लॉन्च होगा, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो सबसे पहले इसकी फी कम है, जो आप कहते थे सर इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब मात्र 500 रुपए के आसपास, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न होगा, डाउट सपोर्ट है, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स, और लगभग 295 घंटे से ऊपर की क्लास है दोस्तों, है ना। तो ये सर ये पूरी क्लास के शेड्यूल देख सकते हो दोस्तों, कि ये सब 25 मई से शुरू होंगे, है ना, ये आपके सामने दोस्तों, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है, जिसमें इंग्लिश 75 घंटे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है कि इंग्लिश 75 घंटे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा फीस के 550 रुपए हैं,
जो WS लाइव कोड अप्लाई करोगे तो ये 523 रुपए के आसपास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर कोई क्वेरी हो इस बैच से रिलेटेड तो आपके सामने नंबर दिख रहा है 6366950726, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं दोस्तों फिर 10:05 पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।